हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ गैंडा गैंडा के बारे में। गैंडा की पांच प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से दो अफ्रीका में तथा तीन दक्षिण एशिया के देशों में मिलती हैं। एशियाई गैंडों में भारतीय गैंडा ही सबसे बड़ा और शानदार होता है। भारतीय गैंडों के शरीर पर बाल नहीं होते, बस कान और पूंछ पर ही बाल होते हैं। उनके नाखून हाथी जैसा होता है। गैंडे का रंग स्लेटी यानी ग्रे कलर का होता है। सबसे विचित्र बात यह है कि गैंडे का थुथुन के ऊपर एक ही या 1.5 फीट ऊंचा सींग होता है, परंतु असल में वो सींग नहीं, हजारों मोटे और मजबूत बालों का गुच्छा होता है जो ऊपर की ओर उठा होता है। गैंडों के लिए यह सबसे उपयोगी है। सींग अगर एक बार टूट जाए तो वह फिर से बढ़ जाता है। शरीर के अनुपात में उसका सिर बड़ा होता है, कान बड़े होते हैं जिनके सिरों पर बाल होते हैं। नर और मादा दोनों में ही सींग होते हैं। गैंडे के बारे में एक विचित्र बात यह है कि यदि शिकारी उसे गोली मार दे तो वह और जानवरों की तरह टांगे फैलाकर नहीं पड़ा रहता, वह सीधा बैठे बैठे ही मर जाता है, मानो वो सो रहा हो। गैंडों की दृष्टि अपेक्षाकृत कमजोर होती है, परंतु उसकी सूंघने की शक्ति बहुत ही तेज होती है। मनुष्य की गंध उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। भारतीय गैंडों की औसत लंबाई 12 फीट और ऊंचाई 5.6 फीट तक होती है। मादा गैंडों का वजन 1500 किलो और नर गैंडों का वजन लगभग 2000 किलो तक होता है। इसे सामान्यतः लंबी घास के मैदानों में रहना पसंद है, लेकिन आसपास दलदली इलाकों हो तो सोने पर सुहागा, क्योंकि इसे कीचड़ स्नान बहुत ही पसंद है। यह पूरी तरह शाकाहारी प्राणी है। गैंडा एक शांत प्राणी है, वह घायल होने पर भी एकदम आक्रमण नहीं करता। सामान्यतः गैंडा धीमी चाल चलता है, परंतु वह सरपट दौड़ भी सकता है। मादा एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। जन्म के समय गैंडे के बच्चे को थूथुन पर सींग नहीं होता। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, सींग भी बड़ा होता जाता है। भारतीय गैंडों का औसत आयु लगभग 100 साल की होती है। तो गाइस, आई होप आपको ये गैंडे के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानकर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स।